हेलो जी, हम हैं कॉलिंगवुड ओंटारियो कनाडा में, और आज है हॉर्सपाइक, एक बाइक इवेंट जिसमें हमें 20 किलोमीटर्स की राइड करनी है। और इस राइड के अंदर जितने भी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो एक पैलेटिव कंडीशंस में होते हैं, उनके लिए एक फंड रेजिंग इवेंट है। और ये है अपनी बाइसिकल जिस पे हम ये राइड करने वाले हैं, ग्रीन कलर की। एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज इवेंट जिसमें आप देख सकते हैं टिम होर्टन्स की कॉफ़ी का अरेंजमेंट है, कॉफ़ी और द ब्रांड ऑफ कनाडा, और फ्रूट बड़े हुए हैं यहाँ पे जितने भी राइडर्स हैं और जो हाइकिंग कर रहे हैं उनके लिए, ऑरेंजेस, बनानाज एंड एप्पल्स। एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज इवेंट एक अच्छे कोर्स के लिए। और यहाँ इवेंट को ग्रीन फ्लैग दिया है पाइपर्स का, उनको पाइप कॉर्प्स ही बोलते हैं हम लोग, और हम लोग रेडी हैं इसके साथ में, एक ग्रीन फ्लैग के साथ फ्लैग को स्टार्ट करने के लिए। सबके ग्रुप बन गए हैं अपने, स्टार्ट विद मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो ग्रुप बने हुए हैं। ये शुरू का ट्रेल जो हमने पिक किया है, जो कई सारे ट्रेल में से एक है, हम थोड़े रो रस्तों को कवर करते हुए, टाउन्स के बीच में निकलते हुए, लेक साइड, माउंटेन्स को सबको कवर करते हुए 20 किलोमीटर की राइड को पूरा करेंगे। और वीडियो बनाते समय मैं ध्यान रखूँगा कि कोशिश करूँगी मैं भी अपने आप को दिखा सकूँ। और ये हम लोग ग्रुप में राइड कर रहे हैं, ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग 6 जने हैं। और आप देख सकते हैं जो मेरे आगे दो लेडीज़ हैं, दे आर लाइक बहुत 60+ हैं, और इवन जो बिल्कुल लेफ्ट में है, जो स्टार्टिंग में, इनकी एज मैंने पूछी थी इनकी, ये इन्होंने बताया कि ये 77 ईयर्स ओल्ड है। तो हम देख सकते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस भी साथ में मिल रही है हमको, हमने कैसे रोड को क्रॉस करना है, कहाँ से क्रॉस ओवर आएगा, बेल कहाँ रिंग करनी है, और लेफ़्ट राइट के साइंस क्या होंगे, स्टॉप का साइन क्या होगा, और इनको फॉलो करते हम लोग अपने ट्रेल को कैसे पूरा करेंगे। ये फर्स्ट ट्रेल को हमने पार कर लिया है अभी, और हम लोग आ गए अभी जॉर्जियन बे की तरफ। ये लॉन्गेस्ट बे है, और द वर्ल्ड क्लीनेस्ट वाटर भी होता है इसको कहते हैं हम लोग, जॉर्जियन बे। इसको हम साइड में ट्रेल बना हुआ है, ये वाला लेफ्ट साइड में पूरी लेक है जो बिल्कुल ओशन की तरह दिखती है, और इसको हम यहाँ से ट्रेल को कवर करते हुए फिर यहाँ से हम लोग टाउन के बीच में अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। अगेन वही बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और एक मैम जो आगे चल रहे हैं ये वाले, जिनको मैंने बताया था अभी आपको, एक सॉरी इस साइड में एक छोटी सी रिवर्स काइंड ऑफ थिंग है जो निकल रही है बिल्कुल साथ में से इसके, जो कनेक्ट होती है इधर लेक के अंदर। और जो मैम बता रहा था कि जो मैम आगे चल रहे हैं, ये 77 ईयर ओल्ड है, और अ काइंड ऑफ मोटिवेशन आप देखिए कि मतलब कि कितने फिट हैं, और ये राइड को आगे लीड कर रहे हैं हम 4 जने इनके बीच हैं, अमेजिंग। इंस्ट्रक्शंस और टाउन की स्टोरीज, हिस्ट्री। Railway tracks. This was the original train trail. We came in and the Collingwood went down to the grain elevators, and we went by part train trail. It goes all the way out and over to Stainer. So this is a train trail straight through. It looks like the Collingwood bike club, these cowboys and others would be going by here. And they'll take that long route. But again, the train track, why it was easy to come here, there, monument to that, and other things. Okay? ये जो लेफ़्ट में बिल्डिंग है, इसको कॉलीवुड का टर्मिनल बोलते हैं, और यहाँ से उसके जब हम उसके बिल्कुल शोर पर जाते हैं तो बहुत ही प्यारा टाउन का पूरा व्यू दिखता है। और
और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं आगे वो बता रहे हैं कि ये जो राइट साइड में एक छोटी सी माउंटेन है, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे और वहाँ जाके एक टाउन का पूरा व्यू दिखता है बहुत क्लियर, और अभी बहुत सनी डे है और स्नो नहीं है तो एक बहुत प्यारा व्यू दिखता है जिसके अंदर आप पूरे टाउन की अपोजिट साइड में एक पूरी लेक को, जो ब्लू माउंटेंस है जो कि 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वो पूरी विजिबल हो जाती है और पूरा शहर दिखता है। आप देख सकते हैं इवेंट अभी ख़त्म हो चुका है और राइड हमारी ख़त्म हो चुकी है, हम वापस आ गए हैं, साइकिल को लगाएंगे अपने स्टैंड पे और चलेंगे आगे रिफ्रेशमेंट्स के लिए। गैदरिंग हो चुकी है, लोग अपनी हाइकिंग और बाइकिंग खत्म करके आ चुके हैं, टाइम है खाना खाने का। थैंक यू।